आइए सभी मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक पदचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवो मोहि हर हु करे शिविकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलदावा अंजनी पोत पवन सुजना महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कान कुंडल गुंजित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा भिराजे कांधे मोज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया शुभ रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा सिम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के बाज सवारे नाई सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रघुपति की नहीं बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनिसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कभी गोविंद कही सके गहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद देना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर मानो तो ताई मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई जल विराग गए अजरज नाही दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम देते दे राम द्वारे तुम रखवारे ओ तनवाजा मिलो पैसा रे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहो को डरना आपन तेज समानो आपे तीनों लोग हाथ दे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन जान जो नावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन पर
बन पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत की तुम रखवारे असुर निकंदर राम दुलारे सीधि नौ निधि के दादा असबर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता दीसन धरई हनुमत से सब सुख करई संगत करते मिटे सब पीरा दुख मिले हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई छूटी मंद महा सुख होई जो यहाँ पर हनुमान चलीसा होए सीता की गोरीसा तुलसीदास सदाई तेरा की जय नाथ निदे महादेरा की जय नाथ निदे महादेरा पवन तने संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर रामचंद्र जी की अयोध्या राम लला जी की उमापति महादेव जी की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय श्री राम ओम सीता राम नमो गोभ्य श्रीमतिभ्य सौरभेभ्येव च नमो
पदाभ्यो नमो नमः नमो हनुमते स्तुभ्यं नमो मारुति सुनवे नमो राम भक्ताय श्यामाशाय च ते नमः बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय हो महाकाल बाबा की जय हो गिरिराज महाराज की जय हो कौशाला धाम की जय हो हरि हर भगवान जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महा स्मरणीय वंदनीय सारे जगत को आनंद प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम नमन। 33 कोटि देवताओं अपने तन में श्री विग्रह स्थान देने वाली जिनके श्री चरण कमलों में समस्त तीर्थों का निवास है, जिन गौ माता के दर्शन मात्र से मनुष्य आनंद की प्राप्ति कर लेता है, ऐसी जगत जननी गौ माता के चरणों में प्रणाम नमन। आप सभी उपस्थित ईश्वर प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सभी के हृदय में विराजमान भगवान गोपाल कृष्ण प्रभु को प्रणाम। अपने जीवन को साधनामय बना करके गौ भक्ति में लगाकर सार्थक बनाने वाले परम पूज्य आदरणीय महाराज श्री को वंदन। हनुमान जी महाराज के और गौ माताओं के चरणों में बैठ करके कथा श्रवण का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज की बड़ी ही निराली अनुपम कृपा है। आइए हनुमत वंदना के साथ ही कथा में प्रवेश करेंगे। सभी प्रेम से हृदय में ध्यान लगाएं हनुमान जी महाराज का और पुनः पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन
पुकार पवन सुत विनती परंपार पवन सुत विनती अब नहीं छोड़ो
जय हो। पवन सुत विनती नरसिंह मेहता की भक्ति गाथा बड़े ही आनंद भाव से श्रवण कर रहे हैं। यह जो जीवन हमें परमात्मा ने दिया है, जितनी भी योनियां हैं मेरे भाई बहनों, श्रेष्ठ बताई है मनुष्यों। हम अपने जीवन को किस तरह जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब पर थोड़ा सा चिंतन हमारा होना चाहिए। कुछ भाई बहन है सामान्यतया जो बस सुबह उठे, थोड़ा ब्रश किया, नाश्ता कर लिया, उसके बाद अपने तैयार हो गए, काम धंधे पर चले गए, बिजनेस पे अगर है तो वहां ऑफिस में चले गए, नौकरी है तो चले गए, खेत में काम है तो चले गए, वापस आए थोड़ा थक गए, थोड़ा रेस्ट कर लिया, शाम को फिर भोजन कर लिया, फिर सो गए। बस इसके आगे उन्होंने विचार ही नहीं। हमें यह जो मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य तन मिला है, हम क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, मीराबाई ने तय कर लिया कि मुझे भगवान को पाना है, ये जीवन मुझे सफल बनाना, जितने भी वर्ष इस जीवन के मिले हैं मैं अपने कन्हैया को पालू। भक्त नरसिंह मेहता ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मुझे प्रभु का नाम भजना है और आनंद से रहना है, मुझे हरि के ही द्वार। महाराणा प्रताप ने अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे गौ घातियों को इस देश से भगाना है, मुझे धर्म की स्थापना करनी है। सबका अलग अलग उद्देश्य होता है। तो तीन मार्ग बताए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इन तीनों में से मनुष्य एक चीज चुन लेता है। किसी को कर्म प्रधानता अच्छी लगती है, कर्म अच्छा लगता है, किसी को बैठ करके हरि कीर्तन करना, भक्ति भाव करना अच्छा लगता है, और किसी किसी को ज्ञान अर्जन करना अच्छा लगता है। सबकी अलग अलग रुचि होती है। तो हम कोई भी पथ चयन करें, उस पथ पर चलें कि हम किस लिए जी रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। बाकी तो आए कितना भी खा लेंगे, लेकिन कुछ भी मिलने वाला नहीं मेरे भाई बहनों। जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसका वजन 2, 2.5, 3.5, 3.5 किलो का होता है। सारी जिंदगी अनाज खाया, फल खाए, पता नहीं क्या क्या खाया, दिमाग भी बहुत खाया लोगों का, लेकिन फिर भी जब मनुष्य मरता है और इस पंचभूतों की देह में आग लगाई जाती है और पंचभूतों की देह पंच तत्व में विलीन होती है, तो अंत में सिर्फ वही 2-2.5 किलो राख रह जाती है और कुछ नहीं रह जाता मेरे भाई।
इस पंचभूतों की देह से हम कुछ सदकर्म कर श्रेष्ठ कार्य कर लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मार्ग चयन करके पुण्य प्राप्ति करके मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए नरसी भक्त नरसी मेहता ने तो मेरे भाई बहनों अपने जीवन में भक्ति का मार्ग चयन किया है। और भक्ति बड़ी ही कठिन होती है, सामान्य नहीं है। कहा है राजस्थानी में एक भजन है कि भगतीरी बाता करबो होरी रे भक्ति दौरी, यानी भक्ति की बातें करना बड़ा सरल है लेकिन भक्ति करना बहुत ही कठिन है मेरे भाई बहन। और भक्ति भाव से होती है, भाव शुद्धि बहुत जरूरी है मेरे भाई बहन। तो सबसे अगर श्रेष्ठ कुछ है साधन तो वो हरि का भजन है। कली काल में पुण्य प्राप्ति का भक्ति का मार्ग बतलाया है कि हरि का नाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, हरि कीर्तन। यही बात भागवत महापुराण में भी वर्णन आती है। तो हम हरि का नाम जपते हुए श्रेष्ठ कर्म करते हुए और उत्तम विवेक से जीवन जीते हुए अपने जीवन को सार्थक बना लें। क्योंकि ये जो हम लगे हैं आज, कई भाई बहन कहते हैं कि मेरे जो भाई साहब बड़े अरबपति मानते हैं कि धन बहुत जरूरी है, धन से आप बहुत सारे पुण्य कर सकते हैं, गौशालाएं बनवा सकते हैं, धर्मशालाएं बनवा सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य, गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, गरीब को विवाह करवा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वह भाव होना चाहिए तब। और याद रखो असली कमाई वही है जो आपने लगा दिया, जो आपने इकट्ठा कर रखा है वो आपके काम नहीं आने वाला। कई भाई बहन कहते हैं ना बैंक में मेरा तो भाई 50 लाख का बैलेंस है और किसी भाई के पास नहीं है, उसके पास 50,000 थे वो उसने लगा दिए। अब दोनों में से दोनों की अगर मृत्यु आएगी तो बोलो किसके पास धन है, जिसने लगा दिया उसके पास है या जिसका रखा है उसके पास? जिसने लगा दिया वो उसके जीवन के पुण्य बन गए और उसका जीवन सार्थक हो गया। और जिसने पेटियां भर रखी हैं और इकट्ठा करूंगा वो रखा ही, जो लगा दिया वो कमा लिया। तो रखना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप सारा ही दान दे दें। जीवन की कुछ आवश्यकताएं भी होती हैं, लेकिन हम अपने जीवन का लक्ष्य बना करके पुण्य कर्म करें, हरि का भजन करें, क्योंकि सबसे बड़ा धन है राम धन, नाम धन। नाम अगर मेरे भाई बहनों प्रभु का है हमारे हृदय में और भक्ति है तो हम सबसे बड़े धनी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए राम धनी जो कोई। इसलिए प्रभु का भजन शुरू करें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
कृपा कर अपनायो आयो जी मैंने आनंद पूरे हरि भजन के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नरसिंह मेहता जी ईश्वर का भजन करते हुए वैराग्य की स्थिति में चले गए और शंकर भगवान के दर्शन भक्त नरसिंह मेहता को हुए हैं। इसलिए मेरे भाई बहन अब शंकर भगवान उन्हें ले गए हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलवाने के लिए। भगवान ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से नरसिंह मेहता का परिचय जाना और आज हरि का दर्शन करके नरसिंह मेहता के मन को बड़ा ही आनंद हुआ। और मेरे प्यारे भाई बहन पूर्णिमा की जो पवित्र रात्रि है आज मेरे कन्हैया अपनी पटरानियों के संग रास रचाएंगे और आज सौभाग्य मिलेगा नरसिंह मेहता को रासलीला का दर्शन करने का। देखिए गोपियों ने भी भगवान के संग रास रचाया। ये जो रास है ये रहस्य है मेरे भाई, मनोरंजन नहीं। गोपी का मतलब है समर्पण भगवान के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आनंद हो और भगवान का साथ आपको मिले हमें मिले तो हमें चाहिए कि हम पूरी तरह समर्पित हो जाए। समर्पण जीवन में बहुत जरूरी है प्रभु के प्रति। गोपी भाव सामान्य नहीं है। जहां पे मनुष्य ने अपने आप को गोपी स्वीकार कर लिया वो पुरुष हो या स्त्री हो वह फिर भगवान का हो गया मेरे भाई, और फिर अपना कुछ भी नहीं रह जाता है। इसलिए तो भागवत महापुराण में जो वर्णन आता है विरह का कि जब ठाकुर जी चले गए तो गोपियों की क्या स्थिति हुई, क्योंकि उन्होंने तो अपना प्राण ही भगवान को मान लिया था। इसलिए मेरे भाई बहनों बड़े ही भाव से आज भक्त नरसिंह मेहता आनंदित हैं कि आज ठाकुर जी के दरबार में मुझे भी। आज तक तो नरसिंह मेहता ने जो रासलीलाएं नाटक में देखी थी, गांव-गांव में जो रासलीलाएं होती थी ना पहले, अभी अपने यहाँ पर भी कहीं कहीं होती है, उस रासलीला में पात्र बनने का अवसर मिलता है, देखने का मौका मिलता है। अब तक भक्त नरसिंह मेहता ने जगह 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 जहाँ जहाँ रासलीलाएं होती थी, जहाँ जहाँ साधु संत आते थे नरसिंह मेहता चले जाते, वही ठाकुर जी के दर्शन का आनंद लेते। लेकिन आज वास्तविक में भक्त नरसिंह मेहता को उस स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मेरे भाई, और आज भक्त नरसिंह मेहता बड़े ही आनंदित हैं ठाकुर जी के। और ठाकुर जी तो कई के कई स्वरूप है मेरे भाई बहनों, भगवान के। तो भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जो आनंदित भी करता है, मनोरंजन भी। हमारा उन कथा को सुन करके हमें बड़ा ऐसा लगता है कि समय कब निकल गया ठाकुर जी की लीलाएं सुनते हुए, एक बाल गोपाल की लीला सुनते हुए इतना आनंद आता है, और विरह भी होता है और अंत में मेरे भाई बहनों ज्ञान भी। सब कुछ है भगवान के चरित्र में। बाल लीलाओं का आनंद है, भगवान ने माखन चुरा करके मिट्टी खा करके हमें मोहित कर लिया, हमारा मन मोह लिया, तो भगवान ने रणभूमि में गीता सुना करके गुरु का स्वरूप धारण कर लिया और उन्हीं कन्हैया ने गोपियों के संग रास भी रचा लिया। भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र सामान्य नहीं है। अगर हम उनके कहे हुए मार्ग पर भी अगर चल पड़े, लोग आजकल कृष्ण को मानते हैं,
लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। भगवान के सामने, मूरत के सामने बैठ जाएंगे, सीताराम राधे श्याम भज लेंगे, लेकिन भगवान ने जिस मार्ग पर चलने का हमें उपदेश किया, हमें जो मार्ग बतलाया, उस मार्ग पर आज हम चल नहीं पाते हैं, हम उस मार्ग का पालन नहीं कर पाते हैं, अनुसरण नहीं कर पाते हैं। वास्तव में पूजा साधना ये सब करना चाहिए, लेकिन अगर हम अनुसरण नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में हमारा कल्याण नहीं होगा। देखो भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, लेकिन ठाकुर जी ने जो किया वो हम नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या बताइए? भगवान ने जो जो लीलाएं, भगवान ने माखन चुराया, आप चुरा सकते हैं? नहीं। भगवान ने मटकी फोड़ी, आप फोड़ के देखना किसी की, वो आपकी खोपड़ी फोड़ने आ जाएगी, नहीं फोड़ सकते। भगवान ने जो किया वो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक लीला मेरे कन्हैया जी की ऐसी है जो आप करना चाहो तो सहर्ष करके उस गोपाल के हो सकते। बताओ कौन सी लीला? गौचारण लीला। ठाकुर जी ने गाय माताओं के पीछे घूम घूम करके हमें ये संदेश दे दिया कि मैं गायों के संग रहा हूं, तो मैंने मेरे जीवन में, भगवान ने बंसी कब बजाई? गैया चराती हुए बजाई, और उसके बाद नहीं ना। आनंद तभी है जब संग में गैया। ठाकुर जी ने बड़ा आनंद लिया मेरे भाई बहनों, और उस समय पूरा समय गौ माताओं को नहीं दे पाए, थोड़ा ही समय गौ चराने का मिला, तो देखो कि फिर उसे अवतार लिए हैं भगवान ने गैया चराने के। इसलिए हम कुछ अगर कर सकते हैं तो वो ये कर सकते हैं कि हम गौ माता की सेवा कर सकते हैं भगवान को। क्योंकि देखिए, अब आज एक सामान्य प्रश्न खड़ा होता है कि हम गौ सेवा क्यों करें? आज पूरे देश में फैल रहा है कि गौ सेवा करो, गौ रक्षा करो, गौ माता ऐसी है, गौ माता वैसी है। तो कई भाई बहनों के मन में प्रश्न खड़ा होता है कि ठीक है, अब गाय माता की सेवा करो या किसी अन्य जानवर को खिलाओ, एक ही तो बात है, जीव पर दया होनी चाहिए। मानते हैं कि जीव दया हमारे भारत में है, मान्यता है, करना चाहिए, लेकिन जिन गाय माता की महत्व जो है, बात जो है, उसे हमें इतने ठीक से समझ लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब मिलकर के, थोड़ी बहुत भी सही, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे लापरवाही होती है। हम सोच लेते हैं कि अच्छा ठीक है कर रहे हैं। गौ सेवा जरूरी है क्यों? क्योंकि जब आप पुराने भारत की छवि देखिए ना, हमारे भारत को पहले कैसा था, थोड़ा सा विचार करके देखिए, हर घर में गौधन था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, हिंदुस्तान विश्व गुरु कहलाता था। गौधन था तो भारत में अपार आनंद था, और इस धरती पर भगवान ने अवतार लिया। एक गाय माता के सानिध्य में रहने से प्रथम तो ये है कि कामधेनु सामान्य प्राणी नहीं, इस बात को हम प्रेम से समझ लें, क्योंकि इस भारतीय सनातन संस्कृति में चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, गीता जी, भागवत जी, महाभारत जी, रामायण जी, और भी छोटे मोटे कितने ही ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं। आप तो बड़े बड़े शास्त्रों और ग्रंथों को, वेदों को, पुराणों को ले लीजिए, तो सब में अलग अलग वर्णन मिलता है। भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, रामचरितमानस में राम जी की लीलाओं का वर्णन है, कृष्ण चरित्र में भी भगवान ठाकुर जी की महिमा है। अगर हम बात करें गीता जी की, तो हमें मार्गदर्शन है, बड़ा ही अद्भुत ज्ञान है। अगर हम बात करें मेरे भाई बहनों देवी भागवत की, देवी भागवत में भी देवी जी की महिमा, शिव महापुराण में शिव जी की महिमा, सब में अपने 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 देवताओं की महिमा है। लेकिन अगर एक स्वर में, समवेत स्वर में, अगर सभी वेदों ने, सभी शास्त्रों ने, सभी पुराणों ने, सबने मिलकर के किसी की वंदना की है, किसी की महिमा गाई है, तो वो है गौ माता। आप काम धेनु का नाम कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे, तो जिसकी महिमा चारों वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण गाए, वो गौ माता सामान्य तो नहीं हो सकती। इसलिए हमें समझना चाहिए, आज मनुष्य बहुत दुखी है, मन से, तन से तो दुखी है ही,
ज्यादा दुखी वह मन से, शांति नहीं, पैसा है शांति, क्या करेंगे उस धन का मकान का जो मन में शांति नहीं। तन तो बीमार है, मन भी हमारा बीमार पड़ा हुआ है, मन भी स्वस्थ नहीं। तो गौ माता के सानिध्य में रहने से प्रथम तो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गौ माता से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो हमारे भीतर एक सात्विक शक्ति को जन्म देती है। दूसरा यह है कि गाय माता के जो पंचगव्य हैं, उन पंचगव्य का पान करके, अगर आप 7 दिन में एक बार पंचगव्य लेंगे, दूध दही गोबर गौमूत्र घी, पांचों को थोड़ा थोड़ा मिला लीजिए, पंचगव्य एक बार लेंगे तो 7 दिन में एक बार पंचगव्य लेने से जो हम सब्जी फल खा रहे हैं, जो जहर आ रहा है आज के अनाज में, सब्जियों में, फलों में, 7 दिन में एक बार पंचगव्य पान करने से हमारे शरीर को स्वस्थ, हमारा शरीर हो जाता है, हमारे शरीर में मेरे भाई बहन रोग नहीं आते। जो गौमूत्र है, गोबर है, दूध है, दही, ये सबकी अलग अलग महिमा। गाय माता का जो दूध है, अब पहले गौ माता का दूध ही पीते थे, आज डेयरी का दूध पी रहे हैं, भैंस का पी रहे हैं, जर्सी का पी रहे हैं। एक बात बताइए, आपने सुना होगा, अच्छी बात तो नहीं है लेकिन बता देते हैं, आप भाइयों से निवेदन, भाई ज्यादा बोलते थे, अगर बचपन में किसी से लड़ाई हो जाए तो क्या कहते हैं, माँ का दूध पिया हो तो, बोलते हैं कि नहीं, कभी आपने कहा है मौसी का दूध पिया हो तो, नहीं ना, किसका दूध पीते हैं, दूध तो माँ का ही पिया जाता है, और माता कौन है, गाय माता को ही माता का दर्जा दिया गया। पहले भारत के हर घर में गौ माता थी, उस दुग्ध में जो पीलापन होता है वह स्वर्ण होता है। हरे कृष्ण, एक छोटा सा नन्ना सा बालक है, इनकी मैया जहां भी है इनको ले जाएं, जिनका भी ये बालक है, वो है बोलिए गैया मैया की जय हो। गाय माता सूर्य का प्रतिनिधित्व करती, गौ माता की रीढ़ की हड्डी में जो सूर्य केतु नाड़ी होती है, वह सूर्य केतु नाड़ी सूर्य भगवान की किरणों में से स्वर्ण तत्व लेकर के दूध में मिलाती है। तो स्वर्ण तत्व जब मिलता है सूर्य की किरणों से, अब आप ही विचार कर लीजिए कि कितना फायदा उससे हमें होगा। प्रथम तो हमारी बुद्धि बढ़ेगी, विवेक जगेगा, शरीर में रोग नहीं होंगे, और हम शुद्ध सात्विक खाएंगे तो विचार भी हमारे अच्छे रहेंगे। उसके अलावा भक्ति अगर हमें कर रही, गौ माता के पास बैठने मात्र से अपार शांति की अनुभूति हम कर सकते। कोई भी महान कष्ट हो गया है, दुख हो गया है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, स्वस्थ सेवित गौ माता के पास आप जाइए। जो गौ माता प्रसन्न है, जिनकी सेवा हो रही है, ऐसी गौ माता के पास जाकर के 5 मिनट उनकी शरीर पर, पीठ पर प्रेम से हाथ घुमाइए, बस उनके उस मुख मंडल को प्रेम से निहारिए, आपके हृदय में इतनी शांति प्रकट हो जाएगी कि बता नहीं सकते। पहले माताओं में बहुत वात्सल्य होता था अपने बच्चों के प्रति, आज थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि हर घर में गौ माता थी, दूध पीते हुए बछड़े को और गौ माता को, गाय माता का बछड़ा गौ माता का दूध पीता और गौ माता उसको चाटती, ये दृश्य जब घर घर में देखते तो माताओं के हृदय में स्वतः वात्सल्य प्रकट होता था, अच्छा लगता था। कभी भी देखना गौ माता के बछड़े को देख के कितना अच्छा लगता है, छोटा सा बछड़ा अगर हो और कूद रहा हो, अपने आप मन को बहुत प्रसन्नता होती। तो गौ माता निरोगी काया देती, स्वस्थ तन देती है, स्वस्थ मन देती है, और गौ माता स्वस्थ जीवन देती है, आनंद देती है। और अगर ठाकुर जी की सेवा करनी है तो दूध दही मक्खन भी गौ माता ही देती है। पहले घरों में गोबर लेपन होता था, शुद्ध सात्विकता थी,
अब इतना नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत कर, लेकिन करना बहुत जरूरी है। गाय माता के सानिध्य मात्र से, अब अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि भी अब अमेरिका में भी लोग गौ माता को सहला रहे हैं और अपने आप को, हालांकि वहां तो गौ माताओं की क्या आजकल जर्सियां ज्यादा हैं, लेकिन उनको बताने वाला आज कोई नहीं है कि देसी और जर्सी में अंतर क्या है। कथा हम आगे करेंगे, मायरा बहुत सुंदर होने वाला है आगे, लेकिन सिर्फ हम भजन सुन के ये मजा ले ले, आनंद ले ले, सुन ले कि चले जाएं, कुछ चीजें हमें अपने हृदय में उतार लेनी है, क्योंकि हमें अब अपने आप को बदलना है, क्योंकि गौ माता के साथ रह के हमें गौ माता की रक्षा नहीं करनी, हमें अपनी रक्षा करनी है, हमें अपने जीवन को सुखमय बनाना है। इसलिए तो अब विदेशी लोग, ब्राजील में कितनी अच्छी अच्छी दिव्य गौ माताएं हैं जो हमारे ही भारत से गई, वो लोग महत्व समझ गए, लेकिन आज हम नहीं समझ पा रहे। मेरे भाई रखी भी है तो दूध निकाल लिया। सीताराम, जर्सी नहीं देसी, विदेशी नहीं देसी गौ माता। कई भाई बहनों को ये भी पता नहीं रहता कि क्या देसी क्या जर्सी। आप एक बात बताइए कि कन्हैया जी की माता कौन थी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया? यशोदा मैया, यशोदा मैया थी। लेकिन पूतना जब आई तो एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके आई और माता बन करके कन्हैया जी को दूध पिलाया। अब क्या वो भगवान की माता मानी जा सकती? नहीं ना, क्योंकि दूध नहीं माता बनके दूध की जगह उसने, आप सब जानते हैं क्या पिलाया, जहर पिलाया। यही स्थिति आज है। माता तो हमारी है मेरे भाई बहनों, माता हमारी है गौ माता, लेकिन आज मेरे प्यारे भाई बहनों जो जहर युक्त दूध हम पी रहे हैं, जिन जर्सियों का जो गाय जैसा स्वरूप बना करके आई है, कुछ वैज्ञानिकों ने अमेरिका से ही, यह बहुत ही दिव्य बड़ी बात है, अमेरिका में एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, उसमें एक बहुत ही बड़ा रिसर्च हुआ है कि जर्सी का दूध पीने से कैंसर होने की संभावना 22-30% बढ़ जाती है। तो हम देसी गौ माता की, देसी गौ वंश की बात कर रहे हैं, जर्सी की नहीं, जिनकी पीठ पर उभरा हुआ हिस्सा होता है, कुकुद होती है, जिनके गले में गलक कंबल होती है, जिनके नेत्रों में बड़ी करुणा होती है, जिनके श्वास लेने से तो वो ऑक्सीजन लेती हैं, कुछ मात्रा में निश्वास में भी ऑक्सीजन देती हैं, वो गौ माता जी बोलती हैं तो माँ की ध्वनि निकलती है। जर्सी की पीठ पर कुकुद नहीं होती, सपाट होती है, शरीर भी उसका बड़ा अजीब सा होता है, बनावट भी, और उसके नेत्रों में भी करुणा नहीं होती, राक्षस जैसी आंखें होती हैं, आप चेहरे से ही पहचान जाएंगे। और दूध तो बड़ा हानिकारक है, आज इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसको देखो उसको कैंसर है, जिसको देखो उसको डायबिटीज है। पहले आपने सुना था किसी को डायबिटीज हो गई? बताइए, जो बड़े बुजुर्ग हैं आज से पहले, अब सबको हो गई, जिसको देखो उसको शुगर है, और कुछ माताएं तो बड़े शौक से बताती हैं कि डायबिटीज है, शुगर हो गई, शौक लगता है आजकल बीमारी का भी शौक लगता है लोगों। पहले लड्डू खाने की होड़ लगती थी दादी जी, 50-50 लड्डू खाते कुछ नहीं होता, अब लड्डू खाना दूर, यहीं से आपको लड्डू दिखा दे तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, बैठे बैठे खाना भी नहीं पड़े, बड़ा ही अजीब सा वातावरण हो गया। तो स्वस्थ रहना है तो गौ माता की शरणागति, और जिन्होंने गैयों से प्यार कर लिया, कन्हैया ने उनसे प्रेम कर लिया, और समर्पण का भक्ति का भाव जब जगेगा तो मेरे ठाकुर हमारे संग भी रास रचाने आएंगे। आज मेरे कन्हैया जी रास रचा रहे हैं और नरसी मेहता को मध्य में खड़ा कर दिया है, मेरे भाई बहनों भक्त नरसी मेहता को खड़ा कर दिया है बीच में मशाल लेकर के, और आज मेरे ठाकुर रास रचा रहे हैं। नरसी मेहता का तो समझो कि ध्यान पूरा हरि के चरणों में है और कुछ भी याद नहीं।
आज तो सबको मन में भगवान के प्रति पूरा यह तय कर लेना है कि आज समर्पित हो जाना है। आइए मेरे भाई बहनों, आज बड़े आनंद से ठाकुर जी की निराली छवि का दर्शन करें। ओ बन जाऊंगी गोपी में आज रे, बन जाऊंगी गोपी में आज रे, मेरे कान्हा ने रचायो है रास रे, मेरे कान्हा ने रचायो है रास रे, बन जाऊंगी गोपी में आज रे, बन जाऊंगी गोपी में आज रे, मेरे कान्हा ने रचायो है रास रे, मेरे भी झूम जाना चाहिए हमको। आज हरि के चरणों का ध्यान करना चाहिए। But
नरसी मेहता खड़े हैं। माता रुक्मणी ने उन्होंने एक माला दी है, वो जो हाथ में मशाल थी वो तो जल गई, हाथ भी जल गया, क्योंकि जब देह का भान नहीं रहता ऐसा ही होता है। और देह का भान कब नहीं रहता, जब हमारा हृदय मन पूरी तरह से भगवान में लग जाता है, तब नहीं रहता मेरे भाई। अब हाथ की जो मशाल थी वो जल गए और हाथी मशाल बन गया। मेरे कन्हैया ने जब देखा तो उनको बड़ा ही कष्ट हुआ। भगवान ने एक ही हाथ घुमाया और नरसिंह मेहता का सारा दुख दूर हो। अब ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं नरसिंह जी। भगवान कहते हैं नरसिंह मेहता, भगत नरसिंह, बेटा अब तुम्हें पुनः उस जूनागढ़ में जाना पड़ेगा। नरसिंह मेहता ने कहा, भगवान एक बात बताइए, अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए और क्या फिर वह सामान्य सुख की आस करे? बोले बिल्कुल नहीं। जब आप मिल गए अब क्यों उसे जंजाल में भेज रहे? सबका ही मन डरता है भाई, कितने झंझट है संसार, मृत्यु लोक है, दुख है, सुख है तो दुख भी है। भक्त नरसिंह मेहता जी ने कहा, प्रभु अब उस धरती पर जाने की मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। नरसिंह कुछ कर्तव्य है और मेरी भक्ति का प्रचार तुम्हें करना है, इसलिए अब तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो नरसिंह, जिस दिन तुम्हें मेरी याद आएगी, जब जब दिल से हृदय से पुकारोगे उसी क्षण में तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। मैं बार बार आऊंगा लेकिन तुम्हें जूनागढ़ जाना पड़ेगा। नरसिंह मेहता के नैन भराए, क्योंकि भगवान का विरह भला कोई कैसे सह सकता है। जिसको वह सुख मिला हो, आनंद मिला हो, उस छटा के, उस श्याम सलोने के दर्शन हुए हो, वो भला कैसे अपने आप को फिर जगत के जंजाल में फंसाना चाहेगा। लेकिन प्रभु आदेश था, भगवान श्री कृष्ण जी ने नरसिंह मेहता को एक करताल दी, पीतांबर उड़ाया, एक मुरद्दी और तुलसी की माला, जाओ नरसिंह, और केदार राग दिया। संगीत भी एक साधना है, जिसने स्वर की साधना कर ली उसने सरस्वती की साधना कर ली। अगर इंसान चाहे तो कर सकता है। तो केदार राग दिया कि इस राग से जब तुम आप मुझे बुलाओगे तब तब मैं आऊंगा। और नरसिंह मेहता के नेत्र खुले तो देखते हैं कि जूनागढ़ में खड़े हैं। चारों तरफ देखा तो फिर वही गांव, वही सब कुछ। अब तो भेष बड़ा निराला है, तुलसी की माला है, हाथ में करताल है, माथे पे चंदन है और मेरे भाई ने पीतांबर उड़ा हुआ है। अब नरसिंह जी सोचियो कि भाई अब कैसे जाऊं, घर वाला तो घर से निकाल दिया, अब कहां जाऊं। तो नरसिंह मेहता जी सोचे कि चलो अब घर पे ही तो जाना पड़ेगा, और कहाँ जाऊंगा, घर चले। कि बड़े भैया हैं अब नाराज हो गए होंगे, कहीं मुझे ढूंढ रहे होंगे तो, कि मैं कहाँ चला गया, इसलिए चलता। अब घर पहुंचे, घर पहुंच के क्या हुआ मेरे भाई, उन्हें विचार करो। उनके बड़े भैया को प्रणाम किया, नरसिंह मेहता ने बंसीधर जी को नमन किया, प्रणाम किया, भाई साहब नमन प्रणाम आशीर्वाद दीजिए। भाभी जी को प्रणाम किया, भाई साहब ने कहा कि ये कैसा रूप बना लिया है, बिल्कुल ही पागल हो गया है क्या, बावड़ा तो नहीं हो गया, ये फालतू का ये जो सामान है ना, हटा इसको, ये जो तेरा ये पीले पीले कपड़े हैं, ये माला, ये पूरे कुल की इज्जत खराब करेगा तू, तेरी वजह से तो हमारे घर की नाक कट गई।
अब सामान्य मनुष्य तो इसी दृष्टि से सोचे। नरसी जी ने कहा कि भाई साहब ये तो मेरे ठाकुर जी ने दिए, तू न्यारा अकेला बैठा था जो भगवान तेरे ही लिए आ गए वहां पे, इतने भक्त हैं अकेले ठाकुर जी तेरे लिए बैठे थे, पागल जैसी बात करता है, मेरे को तो लगता है कि तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। ये सब करताल वरताल रख दे भाई और 2-5 रुपए की कुछ नौकरी कर, पत्नी है 2 बच्चे हैं उनको संभाल, उनकी उनका ध्यान रख। नरसी जी क्योंकि ध्यान तो रख लू पर पीताम्बर नहीं उतारू, करताल को नहीं दू, आपने भले ही थे घर में रखो और भले ही मत, मारे ठाकुर जी की दियोड़ी चीजा मुँह को नहीं उतार सकू, नहीं दे सकू। नरसी मेहता की बात सुनी तो भौजाई आ गई लड़वाने, भौजाई तो तैयार ही है लड़ने के लिए, इन्हीं उतारे तो आगे जाओ परा अठो, यहाँ से जाइए, रहने की जरूरत नहीं है, हमारी बात मानो तो रहो और नहीं मानो तो जाओ। भक्त नरसी मेहता ने कहा कि अगर ऐसी आपकी इच्छा है तो मैं कल ही चला जाऊंगा। भौजाई बोली कल क्यों, आज ही चले जाओ, क्योंकि वो तो चाहती थी कि ये घर में रहने नहीं चाहिए। अपनी पत्नी को साथ लिया और पत्नी को साथ लेकर के बच्चों को साथ लेकर के नरसी जी घर से जाने लगे। मणिक गौरी की आंखों में आंसू भर आए, दोनों ने प्रणाम किया भैया को। जैसे मणिक गौरी ने अपनी जेठानी को प्रणाम किया कि दीदी थोड़ा आशीर्वाद दे दो, अब घर से तो निकाल रहे हो तो खुशी खुशी निकाल, लड़के क्यों निकालते हो। भाभी जी बोली ज्यादा नाटक मत करो, बहुत हो गया नाटक नौटंकी, अब जल्दी जाओ हमको शांति आए। एक बात बताइए कि क्या हासिल कर लेंगे हम, नफरत करके, ईर्ष्या करके, द्वेष करके, संताप करके इस संसार में आए हैं, 4 दिन जिएंगे क्या साथ में लेके जाएंगे। प्रॉपर्टी की लड़ाई होती है तो भाई मार काट भी हो जाता है, किसी को किसी ने मार दिया, किसी किसी ने हाथ, जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं, कैसा पाप उमड़ पड़ा है लोगों का। मेरी भाई बहन हमारी व्यवस्था हमको करनी चाहिए, लेकिन अब किसी के 2 बच्चे हो गए और अपने बच्चे नहीं है उससे ईर्ष्या करना, अगर आपके बच्चे नहीं हैं और जेठानी को या देवरानी को बच्चे हैं उन बच्चों को अपना मान लो, जितना आप अपने बच्चों को प्यार करते थे उससे ज्यादा आपको प्यार करो तो वो मम्मी मम्मी कहने की जगह चाची चाची करके पीछे घूमेगा, बोलो है कि नहीं। अपने भीतर एक अच्छा भाव हम प्रकट करें, किसी से द्वेष करके नफरत करके क्या हम प्राप्त कर लेंगे, क्या मिल जाएगा हमको, किसी को धोखा देके, लूट के। एक बात याद रखना, कहते हैं कि जो आप देंगे वही लौट के, ये हमेशा याद रखे। अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो धोखा मिलेगा, अगर आपने किसी को झूठ बोला है तो कोई आपसे भी झूठ बोलेगा, अगर आपने किसी के साथ द्वेष किया है, किसी का बुरा किया है तो आपके साथ भी बुरा। इसलिए हम अपने व्यवहार को अच्छा बनाते हुए इस जीवन को समझें, लड़ने मरने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ, हमारा जन्म श्रेष्ठ कर्म करके पुण्य अर्जन करके मुक्त होने के लिए हुआ है। तो नरसिंह मेहता जी घर से रवाना हो गए, बाहर निकल करके पत्नी बड़ी चिंतित है, मणिक गौरी कह रही है कि स्वामी अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि स्त्रियां जो होती है वो मन से बड़ी कोमल होती है, तुरंत चिंता हो जाती है स्त्रियों को, बड़ी तुरंत द्रवित दुखी भी हो जाती है। अब कहाँ जाएंगे, कब, तुम क्यों चिंता करती हो, इतना बड़ा संसार है कहीं भी चलेंगे। कहा स्वामी घर नहीं बार नहीं, का चिंता मत करो, मेरे कन्हैया ने अगर ये भी करवाया है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि याद रखो जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। हाँ आप जानबूझ करके आप कुएं में कूद जाओ ये बात नहीं मानी जा सकती,
कि भाई जो हुआ वो अच्छा हुआ, स्वतः जो हो रहा है, जो हम नहीं चाह रहे थे वो भी हो रहा है, तो समझो कि उसका आगामी परिणाम अच्छा है। वो तुरंत आपको नहीं दिखेगा। एक बहुत सुंदर एक घटना है। एक राजा थे, राजा शिकार के लिए जा रहे थे, तलवार हाथ में थी, तलवार की धार को जांच रहे थे, चेक कर रहे थे, तो उनका अंगूठा तलवार की धार से कट गया। ये बात देखी, उन्होंने अंगूठा देखा तो खून की धार है, रक्त बह रहा है, घबरा गए राजा। प्रधानमंत्री उनके बड़े प्रिय मित्र थे, अपने प्रधानमंत्री को कहा जाकर के कि बड़ी चोट लगी है, कष्ट बहुत हो रहा है, आंखें भर आई। वैसे तो राजा बड़े प्रतापी होते थे, लेकिन इतना रक्त बहता हुआ देख, अंगूठा कटा हुआ देख, राजा को बड़ी चिंता हुई। तो प्रधानमंत्री बोले कि राजा साहब, राजन, याद रखो जो कुछ भी होता है वो सब कुछ अच्छे के लिए होता है। अब इस बात से सारे सैनिक, सेवक, मंत्री, संतरी नाराज हो गए कि यहाँ राजा का अंगूठा कट गया और ये ज्ञान झाड़ रहा है कि जो होता है अच्छा होता है, ये अच्छा हो गया, अंगूठा कट गया, इसको अच्छा बोलेंगे। पकड़ के प्रधानमंत्री को कारागृह में डाल दिया। ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं। अब समय व्यतीत हुआ, अंगूठे का घाव ठीक हुआ धीरे धीरे। अब राजा शिकार पर चल पड़े, शिकार पर चल पड़े। तो मेरे भाई बहनों, मार्ग भटक गए, रास्ता भूल गए, और रास्ते में कुछ काली माता के भक्त आराधना कर रहे थे, और मनुष्य की बलि देने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं, किसी को ढूंढ रहे थे कि अगर कोई श्रेष्ठ मनुष्य मिल जाए तो भी ठीक है। ढूंढते ढूंढते जो भटके हुए राजा थे वो पकड़ में आ गए, बंदी बना लिया, और मेरे भाई बहनों बांध दिया कि अब इनकी बलि ही देवी को चढ़ेगी। जैसे ही शस्त्र उठाया, कटा हुआ अंगूठा नजर आया, नहीं नहीं नहीं, ये भाई ये खंडित व्यक्ति है, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, अखंड व्यक्ति चाहिए। राजा के जान में जान आई और प्रधानमंत्री की याद आई कि सही कहा था कि जो होता है वह अच्छे के लिए। अभी पूरी नहीं हुई घटना, अब प्रधानमंत्री के याद आई, फटाफट जैसे उनको खोला तुरंत गए घोड़े पे बैठ करके, वहां जाके कहा कि जल्दी प्रधानमंत्री को कारागृह से बाहर निकाली। सैनिकों ने सोचा इनको क्या हो गया है, अचानक इतना प्रेम प्रधानमंत्री के प्रति। बाहर निकाले प्रधानमंत्री को, राजा ने कहा कि बात तो तुमने सही कही थी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता, लेकिन एक बात बताओ, जब तुमको डाला गया कारागृह में तब भी यही तुमने कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मुझे तो फायदा हुआ, तुम्हें क्या फायदा? मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि राजन, आपके साथ अच्छा हुआ तो उससे अच्छा मेरे साथ हुआ, क्योंकि जब जब आप जाते हो मैं आपके साथ जाता हूँ। आप तो खंडित थे लेकिन मैं तो अखंड था, आप बच जाते लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मैं कारागृह में गया तो ये भी अच्छा। इसलिए हमेशा अपने मन में संतुष्टि रखो कि जो हो रहा है वो सब ठीक है। भक्त नरसिंह मेहता ने कहा, देवी परमात्मा सबकी व्यवस्था करते, चिंता नहीं करो। भक्त आगे बढ़े, गांव में एक धर्मशाला थी, धर्मशालाएं होती है ना, अलग अलग समाज की अलग अलग धर्मशाला है, तो धर्मशाला थी। कहा देवी हम यहीं रहेंगे, इस सरोवर में, इस तालाब में हाथ पांव धो लो, खाने को तो कुछ है नहीं, अब इस धर्मशाला में रहो। कहा स्वामी, धर्मशाला में तो यात्री रहते हैं, जो आने जाने वाले होते हैं, यात्रा करने आते हैं, भ्रमण पर आते हैं, वो रहते,
कहा देवी ये जगत भी धर्मशाला है और हम भी यहाँ के यात्री। इस धर्मशाला में जो भी आएगा वो रुकता नहीं है, कोई 2 घंटे रुकेगा, कोई 5 घंटे रुकेगा, कोई 6 घंटे, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 5 दिन, और इस धर्मशाला से फिर वो अपने घर की ओर चला जाएगा। इसी प्रकार हमारा जीवन भी ऐसा ही है, ये जगत भी धर्मशाला है। हम आए हैं 10 दिन, 5 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल यात्रा करेंगे और एक दिन हमें भी अपने घर की ओर जाना। अक्सर हम यही बात भूल जाते हैं, कुछ भाई बहनों को तो याद ही नहीं है कि मरना भी पड़ता है। रावण अमर नहीं हुआ, आप और हमारी तो बात ही छोड़ दो, जाना तो पड़ता है। एक ना एक दिन सबको जाना पड़ेगा। आए हैं सजाएंगे राजा रंक, जोर से बोलो राजा रंक। हमारे सर मथुरा की जितनी भी बहनें हैं बड़ी भक्ति करती, एक चढ़ सिंहासन चले एक बंधे जंजीर, जाना पड़े तो याद रहे हमें इस बात का हम ख्याल रखें। कई भाई बहन सोचते अभी तो 10-15 दिन बाद देखेंगे, आपने भी नहीं देखा और हमने भी, कौन कब चला जाए उसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो महत्वपूर्ण लगता है वो काम अभी करने चाहिए। एक दादाजी थे, सब दादाजी बैठे हैं, उनको यमदूत लेने के लिए आए। अब जो अच्छे कर्म करता है उसको भगवान के दूत लेने आते हैं, और जो बुरे कर्म करता है या थोड़े अच्छे काम करता है उसको यमदूत लेने आते हैं। तो यमदूत लेने के लिए आए दादाजी को उठाने के लिए, दादाजी ने कहा कि क्या है, बोले चलो हो गई पूरी, कहा मैं नहीं जाऊंगा अभी, बोले जाना तो पड़ेगा, बोले ऐसा करो गांव में बहुत डोकरा है, मैं किसी को भी ले जाऊं, मैंने ही ठेका ले रखा है क्या जाने का, बोले नहीं आपका नंबर है आपको जाना है, ये लिस्ट देख लो ऊपर ही ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। अच्छा ऐसा करो चल चलता हूँ, जूस पी लो थोड़ा सा, आप पी लो थोड़ा, मैं पी लू, फिर यात्रा अच्छी रहेगी हमारी, खाली पेट जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। अब सर मथुरा में जूस तो बड़ा अच्छा मिलता है, जूस पिला दिया और दादाजी ने चुपके से एक नींद की गोली, वो तो खुद तो उनको नींद आती नहीं थी, गोली खा खा के नींद निकालते थे, उसी में से आधी गोली डाल दी यमदूत जी के जूस में, पिला दी सो जाओ। यमदूत जी ने सोनी, अब यमदूत तो यमदूत है, कोई नींद आए, लेकिन नाटक किया सोने का। इधर दादाजी ने फटाफट पर्ची उठाई, ऊपर ही ऊपर जो नाम लिखा था उसको सबसे नीचे ही नीचे लिख दिया, इनका निपटारा करते करते आएगा, तब तक मैं अपने सारे काम समेट लूंगा। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ी देर बाद यमदूत जी की नींद खुली, यमदूत जी बोलते हैं दादाजी जूस बहुत अच्छा था, मजा आ गया, आनंद आ गया, और इतना मजा आया है कि आज मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, जो प्रोग्राम मुझे ऊपर से शुरू करना था आज मैं नीचे से। तो जाना तो जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है साथ लेकर के ही, इसलिए तैयारी कर लेनी चाहिए। तो नरसिंह मेहता जी ने कहा कि देवी अब ये जो है संसार ये धर्मशाला समान है, यही सोच के रहो। अब इस बात का पता चला भगवान श्री कृष्ण को कि मेरे भक्त राज के रहने खाने की व्यवस्था, तो भक्त ने मन में विचार किया तो भगवान तक बात पहुंच गई, और ठाकुर जी ने अक्रूर जी को भेजा है व्यवस्था करने,
अक्रूर जी महाराज एक सेठ का रूप लेकर के आए, नरसिंह मेहता के पास आकर के बैठे और सुनाओ भक्तराज कैसे हो। कहा भगवान आपका परिचय। अब नरसिंह मेहता ने तो अपनी पूरी जिंदगी की किताब खोल दी। भक्त जो होते हैं, संत जो होते हैं, जो समाज को समर्पित होते हैं, भक्ति को समर्पित होते हैं, उनका जीवन एक खुली किताब की तरह होता है और जिसका बंद है समझो दाल में कुछ काला। तो भगवान के भक्त अक्रूर जी महाराज ने अपना परिचय दिया। छुपाने से कोई मतलब था नहीं। कहा मैं अक्रूर हूँ, ठाकुर जी ने आपकी व्यवस्था करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है, इसलिए अब तो आप आदेश करो भक्तराज क्या करना है। भक्त के मन में मेरे भाई बहनों ऐसा आनंद आया है, ठाकुर जी को याद करके नैन भर आए और कहा है कि देखो अक्रूर जी, मेरा तो पूरा जीवन, मेरा पूरा परिवार सब कुछ भगवान को ही अर्पण है। आप आए हैं तो बस रहने के लिए घर, छोटा सा मंदिर जिसमें मैं अपने ठाकुर जी की पूजा कर लूं, साधु संत भोजन करें, इतनी सामग्री और क्या चाहिए। सहजता से बोल दिया और सहजता से जब बोला अक्रूर जी गए, एक बड़ा सा मस्त बंगला खरीद लिया, बहुत सुंदर महल जैसा है, उसमें 3 वर्ष खाए इतना सामान भरवा दिया, मंदिर है, सारी व्यवस्था है, खूब भंडार भर दिए। आकर के कहते हैं नरसिंह जी आपका काम हो, आप तो बस अब चलो देख लो। कहा देखना क्या है, आपने कर दिया, हो गया, अब देखो भी अच्छा ही किया होगा। नरसिंह जी ने अपनी पत्नी को कहा कि ते वैसे ही तुम परेशान हो रही थी, मैंने कहा था ना कि मेरे कन्हैया सबकी व्यवस्था, भगवान सबके जीवन में आते हैं, आप इस बात को माने अथवा ना माने। अब 4 हाथ लेकर के, 4 भुजा नाथ का रूप लेकर के तो वो सबके सामने नहीं आ सकते, लेकिन परिस्थिति के अनुसार किसी न किसी का रूप लेके परमात्मा सहायता करते हैं और उस समय हम यही कहते हैं कि भगवान ने बड़ी कृपा कर। एक बालक था, उसकी माँ बड़ी बीमार थी, तो उसने सुन रखा था कि भगवान सबकी मदद करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, तो उसने मन में विचार किया कि अब मैं क्या करूं, पिताजी तो थे नहीं, माँ बड़ी बीमार, दवाई के पैसे चाहिए, पैसे है नहीं। तो उस बच्चे ने, 5वीं कक्षा का बच्चा था, एक कागज पेन लिया, उस कागज पेन पर लिखा कि हे प्रभु प्रणाम, मेरी माँ बीमार है, 500 रुपए चाहिए, आप भेज देना। उसने सुन रखा था कि भगवान सबकी सहायता, अब पत्र लिख दिया, पत्र लिख के लिफाफे में डाल दिया और लेटर बॉक्स जो डिब्बे लगे रहते थे ना चिट्ठी डालने के, वहां पे डालने लगा। अब डालने लगा तो हाथ नहीं पहुंचा तो वो चिट्ठी नीचे गिर गई। सामने से एक सेठ जी आ रहे थे, चिट्ठी उठाई, कहा भगवान को देनी, अरे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ भगवान को, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, घर चले जाओ, मैं दे दूंगा। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए कि ये भी स्थिति लोगों में होती है। सेठ जी ने 500 रुपए रखे और ऊपर लिख दिया भगवान ने भेजे हैं, बच्चे ने अपनी माँ का इलाज करवाया। बोलो आए कि नहीं आए प्रभु, कुछ ना कुछ सबके जीवन का अनुभव है, भगवान सबकी मदद करते हैं। आप भी समर्पित हो जाइए, हे ठाकुर जी जो है सब आपका है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार, ओ, 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 ओ
जगन्नाथ पे भरोसा नहीं करता, किसी व्यक्ति पे भरोसा वह कर लेगा, लेकिन आज वह जगन्नाथ के कहीं ना कहीं मन में शंका रहती, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। आप ईश्वर पे भरोसा कीजिए, क्योंकि संसार साथ छोड़ेगा लेकिन वह जगत का नाथ कभी साथ नहीं छोड़ेगा। मेरी भाई बहनों, मुझे अपनों से बढ़कर सहारा मांग रखने के लिए जाता, कुछ ना कुछ लेने के लिए जाता, कभी समर्पित भाव से भी जाइए कि बस इसलिए आए हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमें अपने कन्हैया के पास आना अच्छा लगता है। लोग कहते धर्म बढ़ गया, भाई बढ़ा है, लेकिन याद रखो आज के समय में सावधानी बड़ी जरूरी है। आज भक्त कम और कह दो रहने अच्छा नहीं लगे, तो बाकी लोगों की लाइन ज्यादा है, इसलिए समर्पण हमारे जीवन में बहुत जरूरी है भगवान के प्रति, कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, जो कुछ मेरा है वो सब आपका है, और मुझे भरोसा भी। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया, तुम्हारा तुमने दिया है मुझ पर तो शाम तेरा,
भगवान कहते बढ़िया बेटा, मेरा भार कम हो गया, तू तेरी चिंता खुद कर ले। हमें चाहिए कि हम चिंतन करें भगवान का, तो भगवान हमारी चिंता करेंगे मेरे भाई बहनों। इसलिए हरि स्मरण कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया, मुझे जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया, उससे 10 गुना सामान नरसिंह मेहता जी के पास। ये बड़ा सा महल, मंदिर, भोजन सामग्री, बर्तन सामान, सब कुछ। लेकिन नरसिंह जी तो भगत है, जो आया दे दिया, जो आया दे दिया, इतना लुटाते चले गए, कोई समेटने की कोई वृत्ति नहीं। कोई कुछ मांगने आया, कोई कुछ लेने आया, और साधु संत तो रोज ही आता, जमात लग जाती भोजन करवा के लिए। इतने मेरे भाई बहनों साधु संत इकट्ठे होते, बिना साधुओं को जिमाए नरसिंह मेहता खाना ही नहीं खाते। थोड़ा हरि कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, फिर पूछेंगे कि देवी जी घर में कोई साधु भगत आया है कहीं? देवी जी कह देवे घना ही आया है। बीच में बैठ जाते, प्रसादी पा लेते। नित्य नवीन संतों का आगमन है और नरसिंह मेहता के जीवन में आनंद है। लेकिन आनंद तो आनंद है, घर में मेरे भाई बहनों जितना सामान 3 साल में खत्म नहीं होता, वो 6 महीने में खत्म हो गया, सब लुटा दिया। अब नरसिंह जी कने कुछ भी को नहीं, नरसिंह जी के पास कुछ नहीं। अब तो जैसे तैसे काम चलता है, मांग तांग करके जो भी कुछ था सब दे दिए। अब एक जो मकान है बस वो बचा। जैसे तैसे साधु संतों की व्यवस्था करे, कभी बर्तन बेच के, कभी कुछ ला के, कभी मांग के, कभी कुछ करके। इसमें उनको बड़ा आनंद आ रहा है, इसमें भी उनके मन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अब आज नरसिंह मेहता जी बाहर से आए और पूछ अपने घर में आकर के पत्नी से पूछा, स्वामी स्वामी
क्या घर में कोई साधु संत आए? कहा साधु संत तो नहीं आए, रिश्तेदार आए हैं। हमारे कौन से रिश्तेदार आए हैं? दरअसल नरसी जी की जो बेटी है, जिसका मायरा भरना है, जिनकी बात चल रही है, उनका नाम है कुंवर बाई, नानी बाई नाम से भी जानते हैं। ये जो कथा है ये गुजरात की है, लेकिन राजस्थान में राजस्थानी भाषा में बड़ी ही प्रसिद्ध है। तो नरसी जी की जो बेटी है नानी बाई, गुजरात में छोटी होती ना बोलते नानी, नानी मतलब छोटी, नानो छोटो, तो इसलिए नानी बाई कहते थे, बाकी कुंवर बाई भी नाम था। उनकी शादी बचपन में ही करवा दी गई, दादी जब थी तो उपस्थिति में शादी विवाह उनका हो चुका था, गौना करना बाकी था। श्री रंगधर मेहता के पुत्र बसंत राय मेहता के साथ उनका विवाह हो चुका है, लेकिन विदा करना बाकी। पहले होता था ना, थाली में बिठा के शादी करवा देते थे, इतने से बच्चों की पता ही नहीं रहता था, बाद में ससुराल भेजते थे, होता था ना पहले, बाल विवाह की प्रथा थी, अब नहीं है कहीं कहीं पे। तो वो जो ससुराल है नानी बाई का, वहां से पुरोहित जी आए हैं बिटिया को लिवा लाने के लिए, ले जाने के लिए ससुराल। अब गौना करना है, भेजना है, मतलब दहेज सामग्री तो देनी पड़ेगी, और अभी नरसी जी के पास इस समय में कुछ भी। मणिक गौरी फिर चिंता में आ गई है कि अब ये पुरोहित जी आके बैठे हैं यहाँ पर, बेटी को विदा करना है, खाली हाथ भेजेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्या होगा भगवान, फिर चिंतित हो। आज के समय में बेटियों को लेकर के बड़ी चिंता माता पिता के मन में है, एक नहीं प्रतिदिन दो चार फोन ऐसे होते हैं हमारे पास, या दो चार लोग रोज मिल ही जाते हैं जो एक बात कहते हैं आप कि लड़के तो बहुत आ रहे हैं दीदी, लेकिन मांग बहुत करते हैं, इसलिए जम नहीं पा रहा। आप सब भी देख लो, सबके लड़कियां हैं, बेटियां हैं, अक्सर परेशान है दहेज की प्रथा से। दहेज जब पिता का सामर्थ्य होता और पिता अपनी बेटी को खुशी से कुछ देता कि आज मेरी बेटी पराई हो जाएगी, यानी कि घर से विदा हो जाएगी, तो आज जो दूंगा वो समर्पित कर दूंगा, दे दूंगा, तो खुशी खुशी जो दे देता वो मिल जाता। लेकिन ये जो मांगने वाली जो बात चली है मेरे भाई बहनों, थोड़ा सा समाज में आज चिंता का वातावरण है। इस समय में जितने नौजवान भाई हैं, ऐसे भाई हैं जिनके पुत्र हैं, उनसे भी प्रार्थना है, और नौजवानों को एक संदेश है हमारा कि स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरों का धन देख करके जो लालच करता है उससे बड़ा मूर्ख और किसको कहे, बताइए। जो आपने कमाया वो आपका है, जो हम कमाएंगे वो हमारा है। अब आपके धन पर अगर हम दृष्टि रखें, यानी लड़का वाले ससुराल पक्ष के लोगों पे दृष्टि रखते कि इतना सामान है ये तो बहुत दे देंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। जो श्रद्धा से दिया जा रहा है वो स्वीकार कर ले, और नौजवानों को तो अपने स्वाभिमान से कहना चाहिए, अगर ससुर जी पूछे कि दामाद जी अपने पास तो कोई कमी नहीं है, बोलो आपके लिए क्या कर दें, सोना चांदी से भंडार भर देंगे, तो एक ही बात कहो कि पिताजी आप कन्या दे रहे हैं, कन्या से बड़ा कोई धन नहीं होता, पाल पोस के इतनी बड़ी देवी आप मुझे समर्पित कर रहे हैं, और मेरे हाथों में ताकत है, अगर मैं आपकी बिटिया को अपनी पत्नी बना रहा हूँ या आप हमारे घर की बहू बन रही है, तो उनको खिलाना पिलाना सारी जिम्मेदारी हमारी है, और हमारे दोनों हाथों में इतना सामर्थ्य है, आपका दामाद इतना सामर्थ्यवान है, सूखी रोटी खिलाऊंगा लेकिन अपनी कमाई से खिलाऊंगा, अपनी पत्नी को मैं अपने साथ रखूंगा, तो माने। बाकी लोभ लालच ये बात ठीक नहीं है, और जो दहेज की प्रथा आज कई बेटियां कन्याएं बहुत दुखी हैं इस कारण, हालांकि कन्याओं को तो हर दृष्टि में आज दुख है, भाई भी हैं, लेकिन बचपन से लेके लड़का नहीं हुआ लड़की हो गई तो माता जी का टेंशन बढ़ जाता है,
है कि नहीं? मोड़ा है जा तो मोड़ी हो गई, लाल हो जा तो लाली हो गई, टेंशन हो जाती है। फिर थोड़ी बड़ी हुई, आज का वातावरण ऐसा है कि ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। आज का जो बहुत ही गंदा वातावरण जो देश में बन गया है, जो हिंदुस्तान कभी आचरण के लिए, चरित्र के लिए, शील के लिए प्रसिद्ध था, वही आज कैसा हो गया है मेरे भाई बहन। बड़ी चिंता। फिर शादी में दहेज की चिंता, दहेज भी दे दिया तो ससुराल में प्रताड़ना की चिंता। सब बहनें थोड़ी ससुराल में सुखी हैं, सबको किसी को कोई कष्ट, किसी को कोई कष्ट, कोई कोई है जो खुश है। और बड़ी हुई फिर समस्या ही समस्या है। इसलिए जो बहनें बैठी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि अगर बेटी है तो उचित संस्कार दें कि आपकी कन्या कभी दुख न पाए। अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यवहार सिखाएं, भारतीय सनातन संस्कृति की मर्यादा सिखाएं। और जो जो सास बन गई उनसे प्रार्थना है कि अपने हृदय की ममता को जगा के अपने बहुओं के साथ मातृत्व भाव से रहें, क्योंकि वो तो ससुराल आ गई, रोज रोज अपनी माँ के पास नहीं जा सकती, आप ही माता हैं, इसलिए उसे प्यार से रखें। आप नहीं रखेंगे तो उसका कौन है आप बताइए। कुछ बहुएं भी ऐसी जो सास की सांस रोक लेती, तो बहुओं से भी निवेदन है कि आप भी, क्योंकि बड़ी ख्वाहिश थी माता जी को कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बहू आएगी, छमछम पायल बजेंगी, घूंघट निकाल के रहेगी, और फिर आप मर्यादा में नहीं रहे, उतना की तरह बाल खोल के फड़ंग फड़ंग, कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं भाई, हम तो अंग्रेजी बोलने वाले। रहिए आप, लेकिन जो अपेक्षा सासू माता को आपसे है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो खरा उतरिए उस पर, प्रेम के वशीभूत, बंधन में नहीं, प्यार से। सबको चाहिए कि वो अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। तो दहेज की जो बात है, किसी को मजबूर नहीं करें हम जीवन में, क्योंकि बेटी की शादी हुए 10 साल हो गए और पिताजी आज तक कर्जा चुका रहे हैं। ऐसी शादी होने के बाद सुख नहीं मिल सकता मेरे भाई बहन, इसलिए प्रार्थना है हम किसी को मजबूर ना करें दहेज देने के लिए कि अंत में उसको घर बेच के बेटी की शादी करनी पड़े, उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होगा। और हम किसी की बिटिया को कष्ट ना दें, उसे प्रेम से रखें। और हम जो करेंगे, कहते ना हम बदलेंगे युग बदलेगा, है ना ये भावना, इसलिए हम अपने आप को देखें। और किसी भी परिस्थिति, आज महाराज श्री बहुत ही सुंदर बात बता रहे थे, जब प्रातः आत्मचिंतन की चर्चा चल रही थी, सत्संग की चर्चा चल रही थी, तो बहुत ही सुंदर आज एक बात निकल करके आई कि हमें अगर किसी को समझना है तो उसकी जगह खड़ा होके देखना चाहिए। अगर किसी बात पे, किसी गलती पे मैंने 100 लोगों के सामने आपको थप्पड़ मार दिया, तो मुझे आपकी जगह खड़ा होके रहना चाहिए कि अगर उसी गलती को आपने किया होता और मुझे थप्पड़ मारा होता तो मुझे कैसा लगा होता, तब हम अगले को समझ सकते हैं। किसी को अगर हमने 10,000 रुपए धोखे से, रिश्वत में, किसी भी कंडीशन में ले लिए, उस समय ये सोचना चाहिए कि अगर मुझसे कोई लेता और फिर मेरे पास नहीं होते तो मेरा क्या होता। हर बात आप तब समझ पाएंगे जब आप अगले वाले की जगह पर खड़ा रह करके देखेंगे, तब समझ पाएंगे अपनी। अगर आप सासू माताएं हैं, अब सासू माताएं बड़ी चिड़चिड़ करती हैं, बहू ऐसा नहीं करती, बहू वैसा नहीं करती, आपका जीवन बीत गया, आप सास बन गई, इसलिए आप अपनी दृष्टि से बहू को मत देखो, क्योंकि जो अनुभव आपको है वो अभी बहू को। अगर आप सोचो कि मेरे जैसा काम करे तो सास बहू में अंतर क्या रह जाए, बताइए। अपने जैसी अपेक्षा उनकी जगह, कि आप जब बहू थी आप क्या सीख के आई, आपको क्या क्या आता। हर व्यक्ति को दूसरे की जगह खड़ा होकर के देखना चाहिए। तो आज जो प्रथा है कि भाई अगर दहेज मेरी बेटी होती और मेरे पास धन नहीं होता और कोई रिश्ता आता, मैं नहीं दे पाता, तो क्या होता। हर व्यक्ति को समझने की कोशिश करके प्रेम बांटे, आनंद की प्राप्ति होगी मेरे भाई बहनों। कष्ट देने से कष्ट ही मिलेगा। तो
अब जो दहेज देना है, जो सामान देना है, उसका क्या करें? पुरोहित जी बोले कि नरसी जी, बेटी को ब्याह के ले जाने के, ब्याह तो हो गया है, गोना करना है, आपकी बेटी को लीवा लाने लेने के लिए आए हैं, अब जो कुछ आपको देना है वो दे दीजिए और बेटी को विदा कर दीजिए। नरसी जी ने कहा भाई जी कुछ भी है नहीं, आए अव्यवस्था होगी तो देखेंगे, दो चार दिन रुको, थोड़ा इंतजार करो, अब आप कभी लिवाने जाओ और आपको कोई कह दे कि अभी कुछ नहीं है, देखा जाएगा, दो चार दिन रुको, कैसा लगेगा? पुरोहित जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसे भगत हैं, मैं यहाँ दो चार दिन रुक के क्या करूंगा? लेकिन रुकना तो रुक गए। एक दिन बीता, दो दिन बीते, तीन दिन बीते, अब तो पुरोहित जी ने गुस्सा आ गया कि देखो कुछ देना है तो दो, अथवा मैं खाली हाथ ही आपकी बेटी को ले जाऊंगा, इसलिए अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। कहा जो देंगे सांवरा सरकार देंगे, हम क्या देंगे, बेटी उनकी, परिवार उनका। माथा पकड़ लिया पुरोहित जी ने कि किस पागल के चक्कर में पड़ गया हूँ, भगवान ही मालिक है अब तो। नरसी जी ने करताल उठाई, श्यामल दास ने ढोलक उठाई, मणिक गौरी और कुंवर बाई ने भजन प्रारंभ किया और पूरा परिवार ठाकुर जी के सामने भजन कर रहा है। हे प्रभु आओ पधारो, आज आपकी आवश्यकता है नाथ, बेटी को विदा करना है। आपने कहा था कि तू तो बस मेरा भजन करना, जब जरूरत होगी, जो आवश्यकता होगी मैं पूरी करूंगा। हे गोपाल आज मेरी बेटी को विदा करना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर आप नहीं आओगे तो मेरी तो लाज नहीं जाएगी लेकिन आपकी जरूर, क्योंकि सब जानते हैं कि ये तो भगत है, इसलिए हे गोपाल आज नरसी मेहता करताल बजा करके गोविंद को बुला रहे हैं। जो मूर्ति ठाकुर जी ने दी है बस उसी के समक्ष नरसी मेहता नृत्य कर रहे हैं, करताल हाथ में है और भगवान को बुला रहे हैं। उनका नाचना गाना देख करके पुरोहित जी तो इतने ज्यादा चिढ़ गए, माथा पीटने लगे कि कहां फंस गया हूं, ऐसे कूदने से नाचने से भगवान आ जाएंगे और दहेज दे देंगे, भगवान ही जाने अब क्या होना है। एक रूम में कक्ष में जाकर के चुपचाप बैठ गए और इधर नरसी जी ठाकुर जी को बुला रहे, आओ जी पधारो घनश्याम, आओ जी पधारो घनश्याम, बुलाइए आप भी बुलाइए, हो सकता है हमारे भी कोई काम बना दे। आओ जी पधारो घनश्याम, आओ जी पधारो को लगाया भजन में
आपकी बेटी है, आपकी चिंता है, इसको विदा करना है। अब नहीं आओगे तो कब आओगे, इसमें प्रार्थना चल रही है मेरी भाई। बेटी है तुम्हारी घर बार तुम्हारा, बेटी है तुम्हारी बेटी है तुम्हारी घर बार तुम्हारा। आज पुकारे पहली बार तुम्हारा, आज पुकारे पहली बार तुम्हारा, आज पुकारे पहली बार तुम्हारा, आज पुकारे पहली बार तुम्हारा। भजन करो आओ जी पधारो हाथ में थाल ले लेकर के साक्षात वहां पर प्रकट हुए हैं। माताओं ने अपने हाथों से कुंवर बाई को श्रृंगार करवाया है, सामग्री दी है और आज पुरोहित जी ने अपनी कन्या को, नरसी जी ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। पुरोहित जी इस बहू को लेकर के चल पड़े हैं और ठाकुर जी ने कृपा करी, नरसी मेहता ने ठाकुर जी के श्री चरण कमलों को पकड़ लिया, नैनों से नीर बहने लगा। क्योंकि भगवान से अलग होने के बाद नरसी जी को बड़ा ही अलग तो वो नहीं है, क्योंकि मन में हमेशा भगवान की एक निराली याद बनी हुई है, लेकिन फिर भी याद तो प्रभु की आती है। नमन किया और प्रभु वहां से अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। आज एक भार उतर गया है मणिक गौरी का, कन्या विदा हो गई है। बेटी
विदा हो गई है, ससुराल चली गई। और जिस दिन बेटी ससुराल जाती है उस दिन भी घर में बड़ा सूनापन आ जाता है मेरी भाई बहन, वो क्षण जो होता है बड़ा ही अद्भुत तो होता ही है, खुशी भी होती है और दुख भी होता है। एक समस्या खत्म हो गई, जो दहेज था दे दिया, अभी मायरा नहीं भरा, मायरा तो भराएगा, अभी तो विदा किया है बेटी को। थोड़ा और समय व्यतीत हुआ, उसके पश्चात पुत्र की सगाई की बात चली और वो भी बड़े ही अद्भुत रूप में हुई, ऐसे रूप में हुई मेरे भाई बहनों कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है कि जब बहू का, जब बेटी विदा हो गई तो बहू की इच्छा हुई, स्मणिक गौरी मनी मन विचार करने लगी कि लड़की तो बेटी तो ससुराल चली गई, अब बहू लाना है, क्योंकि माताओं के मन में होता है कि लड़की की शादी हो गई तो बहू आ जाए और बहू आ गई तो बेटी भी बहू बन जाए, होता है ना मन में, बच्चे होते हैं तो सोचते हैं जल्दी जल्दी शादी ब्याह करो और टेंशन से फ्री हो जाओ। अब बेटा है बड़ा सुंदर है और ज्ञानी भी है, सगाई कैसे हुई मेरी भाई को, मदन राय मेहता हैं, उनकी बेटी है जूठी बाई, क्या नाम है जूठी बाई, उसका रिश्ता देखने के लिए दीवान साहब को मदन जी ने भेजा है जूनागढ़ में कि जूनागढ़ में जाओ, और जूनागढ़ में 700 नागर ब्राह्मण परिवार रहते हैं, कोई ना कोई लड़का तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा दीवान साहब, और मेरा एक मित्र भी रहता है वहाँ पे, सारंगढ़ नाम है जिसका, पूरा ग्राम जो जूनागढ़ है उसमें अधिकतर नागर ब्राह्मण रहते थे, सारंगधर जी हैं, मैं उनको पत्र लिख दूंगा, दीवान साहब आप जाओ और मेरी बेटी के लिए अच्छा वर खोज करके लाओ। अब देखो मेरे भाई बहन, दीवान साहब ने वो पत्र देखा, लिखा है प्रिय मित्र सारंगधर, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, आपके गांव में जो 700 नागर ब्राह्मण परिवार हैं उनमें से कोई श्रेष्ठ वर हो तो मेरी बेटी के लिए खोज दे, फिर मित्रता कब काम आएगी। अब वो पत्र लेकर के दीवान जी चल पड़े, एक चौपाले पे पहुंचे जहाँ पे चबूतरे पे गांव के 10-15 मुख्य मुख्य लोग बैठे थे, वहां पर पहुंच के पूछते हैं भाई सारंगधर जी से मिलना, सारंगधर जी कोई पूछ रहे कि सारंगधर जी से मिलना क्या काम है। मदन राय मेहता ने भेजा है, बड़े अच्छे मित्र हैं उनके, का भैया मैं ही सारंगधर। अच्छा, अभी पत्र दिखाया, सारंगधर जी अपने घर ले गए दीवान साहब को। अब वो घर ले गए तो सारी बातचीत हुई कि भाई लड़का देखना है, बेटा बेटी है दीवान साहब की, और ऐसा कुछ उपाय करो। तो जो दीवान साहब के जो बड़े अच्छे पुरोहित हैं उन्होंने, दीक्षित जी कहते थे उनको, वो गए, उन्होंने पूछा, सारंगधर जी ने कहा बहुत बेटे हैं आप चिंता मत करो दिखाएंगे। अब वो अपने अपने मित्रों के यहाँ संपर्क कर रहे हैं कि इनमें से किसी की सगाई हो जाए, भाई दीवान की बेटी है बहुत धनवान है तो अच्छा रहे। अब देखो लड़का देखने गए कृष्ण राय जी, इतनी अच्छी तैयारी है पूछो मत, मिठाई काजू बादाम चाय नाश्ता सब एकदम तैयार, इतनी सी भी गड़बड़ नहीं, और जहां दिखावा ज्यादा हो समझ जाना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सब व्यवस्थित जमा। दीक्षित जी ने कहा भाई बुलाओ लड़की को, कैसा लड़का है देख लेते हैं। देखने के लिए बुलाया, अच्छा लग रहा था दिखने में, एकदम सजा धजा के लेके आए, बिठा दिया। अब दीक्षित जी धीरे से पूछते हैं कि भाया नाम क्या है,
लड़के ने धीरे से अपने पापा जी को बोला, क्या कह रहे? फिर दीक्षित जी बोले, नाम क्या है तुम्हारा? क्या? अरे नाम क्या है तुम्हारा? क्या? समझ गए कि लड़के को सुनाई नहीं दे, भाई बह रहा है, कहां लेके आए हो सारंगदर जी ऐसा लड़का दीवान साहब की लड़की के लिए, कहीं और ले चलो। फिर दूसरी जगह ले गए, वहां भी बड़ी व्यवस्था थी, अब वहां ले गए, वहां जा करके बैठे तो फिर नाम पूछते हैं दीक्षित जी की, भाई क्या नाम है? तो लड़का कह रहा है बिब्बी विद्याधर, मतलब तोतला है। वो भी काम देखते गए, इतने लड़के खोज ले, लेकिन कोई लड़का दीक्षित जी को पसंद नहीं। आप लोग भी जाते होंगे ना लड़का देखने, जाते लड़की देखने भी जाते हैं, लड़का देखने भी जाते हैं। देखिए मेरे भाई बहन, रंग रूप पढ़ाई लिखाई ऊंचाई लंबाई देखो, स्वरूप से रूप से बड़ा होता है गुण। एक बात अपने जीवन में आप सब याद रखें, सकल सूरत अच्छी देखने से काम नहीं चलता, उस व्यक्ति का चरित्र, उस व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति का व्यवहार अवश्य देखें। क्योंकि मेरे भाई बहनों, सिर्फ रंग रूप से कुछ भी होने वाला, थोड़ा देखो, अच्छा देखो, रंग रूप भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि लूला लंगड़ा ले आओ, नहीं, लेकिन आज कई हैं जो स्वरूप देख के, रूप देख के शादी करवा देते हैं और बाद में पता चलता है कि कई गलत आदतें हैं, व्यवहार अच्छा नहीं है, वाणी मीठी नहीं है। ऐसा व्यक्ति किस काम का? लाख सुंदर हो, वो सुंदरता किसी काम की? भले वो लड़का हो, भले वो लड़की हो। और ज्यादातर ध्यान रखें, घर का माहौल देखें, वातावरण देखें, कैसे चित्र घर में लगे हैं, कैसी आवाज घर में से आ रही है, खाने में क्या प्राप्त हुआ है, उससे पता चल जाएगा कि बेटा कैसा है। अगर स्वामी विवेकानंद जी का चित्र लगा है, भगवान श्री कृष्ण जी की छवि लगी, अगर मेरे भाई बहनों घर में से सीताराम की ध्वनि आ रही है, कोई मंत्र कोई भजन चल रहा है, भोजन में बड़ी सात्विकता है, अच्छे अच्छे पकवान बने हैं, मीठा है, मधुरता है, समझ जाना कि थोड़ा बहुत संस्कार तो। और घर में घुसते ही अगर दौड़ते हुए कुत्तों का फोटो है, आजकल लोग ज्यादा लगाते हैं, बिल्ली का, तीखी तीखी चोंच वाले पक्षियों का, जैसा देखेंगे चित्र हमारे चरित्र में उतरता है। एक बात हमेशा याद रखें, चित्र क्यों लगाते हैं? देख देख करके हमारे भीतर भावना जागृत होती, तो सावधानी बहुत जरूर, हर दृष्टि से सावधानी रखें। और बेटे बेटी का जीवन, ये जो विवाह होता है, विवाह फिर मेरे भाई बहनों 7 जन्मों का बंधन हो जाता है, ऐसा हमारे सनातन संस्कृति में विवाह संस्कार में माना जाता है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी हो। और अगर कोई गौ भक्त मिल गए, गौ सेविका बहु मिल गई, तो फिर कई बहनों को चिंता है, किसी किसी बेटों की भी शादी नहीं हो रही, या ऐसी समस्या है, तो गौ माता की शरण में चले जाइए। शरणागति लेते ही निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों गौ माता की कृपा हो जाएगी। प्रसंग आता है, गौतम ऋषि ने हमें ये संदेश दिया, अहिल्या माँ ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री जो अहिल्या जी थी, उनका विवाह होना था, तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी थे उस समय, लेकिन इंद्र देवता की भी इच्छा थी अहिल्या जी से शादी करने की, पर ब्रह्मा जी ने पूछा कि बताओ पुत्री, किस प्रकार का वर चाहिए, कौन वर नहीं, कौन लड़का नहीं, किस प्रकार, अगर बेटी को पूछे भी तो ये पूछे कि भाई बिजनेसमैन चाहिए कि नौकरी करने वाला चाहिए, गौ भक्त चाहिए कि राम भक्त चाहिए, गोरा चाहिए कि काला चाहिए, मीठा